जिला चिलिका तटवर्ती भूषंडपुर गाँ गाँवर बालीपाटपुर साहि 1922 मसीहा भाद्रव कृष्णपक्ष चतुर्थी शुक्रवार दिन जन्मग्रहण करिथिले एक जोग जन्मा शिशुपुत्र बापा सदाशिव बाहिनीपति और माँ गेल्हिमणि सान पुओ ना रखिथिले मार्कंडेय। परिवार लोकों अतिशय स्नेह श्रद्धा पाई पिलाटी बढ़िबाकु लागिला। धीरे धीरे पाठपढ़ा बयस हेला हेले पढ़ापढ़ी रे तार जम्मा मन न थाए। सांगसाथी पिलांक सह खेलिबा बुलिबारे सारा दिन कटुथिला। बड़ कष्टरे तृतीय श्रेणी पास कले हेले एहा परे आउ पढ़ा संभव हेलानी। सांगसाथीक सह खेलिबा बुलिबा संकीर्तन करिबा यात्रा दलरे अभिनय करिबारे मार्कंडेयंक समय कटुथिला। पुओकु बाटकु आणिबा पई बापा अनेक चेष्टा करी विफल हेबा परे पारंपरिक पूजापाठ कर्म कर्माणी शिखाइबाकु प्रयास कले। बहु चेष्टा परे गाँवर चंडेश्वर दास मार्कंडेयंकु सामान्य पूजापाठ शिखाइले। सेहिपरि कुसुमी गाँवर पंडित दासरथी मिश्रंक ठारु केतेक कर्म कर्माणी शिखिले। पाला जगतरे आकस्मिक भावे मार्कंडेयंकर प्रवेश होइथिला। सेतेबेळकु तांकु 18 वर्ष नेत्रमाली बेहराणींकर एक पाला करिबार आवश्यकता पड़िला। से समय रे भूषंडपुर अंचलरे मात्र जणे गायक थांती भिकारी साहू। तेबे कौनसी कारणरु से आसीपारिले नाही। फळरे नेत्रमाली प्रचार कले जिए पाला करिदेव टंकाए 25 पैसा आउ एक मृदंग नेब। एहा सुनी मार्कंडेय पाला गाइबाकु प्रस्तुत होइगले। सांगो साथीमानकु नै मनोहर फासियारा पूजा पालाटी अति सुंदर भावे परिवेशन कले। शुभेच्छु बनमाली कविराज और कृष्णमोहन अधिकारी मार्कंडेयंकु पाला गायक हेबा पई उत्साह देले। अजा गायक माधव महापात्र घर आसिले ठाकुर चामर आउ गिनी। कृष्णमोहन अधिकारी निज हातरु समस्तंक पाई पोशाक आउ झांज किणी देले। आरंभ हेला मार्कंडेयंक पाला जीवन। बाल्यगुरु दासरथी मिश्र एवं गुरु पंडित विनायक मिश्रंक तत्वावधानरे पाला जगतकु प्रवेश कले मार्कंडेय। जीवनर प्रथम बादीपाला हेला निज गाँवर दोल पड़े। प्रतिपक्ष गायक थिले भिकारी साहू। 22 वर्षर मार्कंडेयंकर एही तीनी दिनर पाला समस्तंकर मन जिणी नेला। एहा परे आसिला असल परीक्षार समय। से समय रे पाला जगतरे चहल पकाइथिबा गायक सम्राट विश्वनाथ पर्जसिंह सहित बाहिनीपतिंकर प्रथम मुकाबला हेला खोर्धा जिल्लारे। सेतेबेळकु पर्जोसिंह ना सुनिले अनेक प्रतिष्ठित गायक आसिबाकु पछ घुंचा देउथिले। हेले 22 वर्षर मार्कंडेय अति साहसर सहित सम्मुखीन हेले। एही जुव गायकंकर पाला देखि आनंदित होइगले पर्जोसी। मार्कंडेयंकु कुंढाई पकाई कहिले मार्कंडेय मो पछकु तू निश्चय पुरी जिलार ना रखिबु। विश्वनाथ पर्जोसिंह ठारु आशीर्वाद लाभ करिबा परे अधिक विद्या लाभ पई व्याकुल होइ पडिले मार्कंडेय। परिवारर आकर्षण को एड़ाई संस्कृति शिखिबा को चलिले पंडित विनायक मिश्रंक घर को। सेठारे अनेक परिश्रम करी संस्कृत पढ़िबा को लागिले। हेले विशेष मने रहु न थाए। एही समय रे बोडंगरा गाँवर नारायण त्रिपाठी परामर्श देले इष्टदेवी माँ उग्रतारांक शरणापन्न हेबा को। माँ पीठरे से एक मंत्रपूत कवच लाभ कले। वंदे मातरा वंदे मातरा चोरा चोर पालिनी धरा हित कराम चोरा चोर पालिनी धरा हित कराम वंदे मातरा वंदे मातरा
ଧୂଳ ଝର ବାସିନୀ ଭୟ ନାସିନୀ ନମ ନମ ଜନନୀ ଅଟାଟ ହାସିନୀ ଶବ ହୃଦ ସ୍ଥାପିନୀ ପରସନ ଲୋପନ ପ୍ରତ୍ୟାଳିଢ ପୟରା ବନ୍ଦେ ମାତାରା ନର ମସ୍ତକ ମାଳିନୀ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳିନୀ ରବି କୃପିଟ ଜନି ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନୀ ଶବ ହୃଦ ସ୍ଥାପିନୀ ପରସନ ଲପନି ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଅମ୍ବରା ବନ୍ଦେ ମାତାରା ଝୁମୁ ଝୁମୁ ପାଦିନୀ ଲୋଳ ରସନି ଶ୍ମଶାନ ବିଳାସିନୀ ହରିବାହିନୀ ଅଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦୟିନ ହର ଭୂଭାରା ଢାଳିତ କରୁଣା ଧାରା ବନ୍ଦେ ମାତାରା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତ ଦାନ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଜିଭାରେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଆସିଲା, ଏଣିକି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ମନେ ରହିଗଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାହିନୀପତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାଲାଗାୟକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଶହ ଶହ ରାତି ପାଲା ଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ମନ ଜିଣିନେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଅଳଙ୍କାର, ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶ୍ଳୋକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣକୁ ସେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଲା ପରିବେଷଣର ଶୈଳୀ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଗାୟକ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଅନେକ ଭଜନ ଜଣାଣ ସହ ପର୍ଶୁରାମ, ସେମନ୍ତକ ଇଳ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ଆଦି ଅନେକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଛପା ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚଦେବ ଦୟା କର ହେ ପର୍ବତ ସୁତାକୁ ମୋହର ପଦ୍ମମୁଖ ଲମ୍ବୋଦର ପଦ ତଳେ ଜଣାଉଛି ପତିତ ନର ହେ ପଞ୍ଚଦେବ ଦୟା କର ହେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚକ୍ରଧର ଚଞ୍ଚଳା ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରକ ଚୂଳ ସୁନ୍ଦର ଚପଳାମ୍ବର ହେ ପଞ୍ଚଦେବ ଦୟା କର ହେ ଦେହରେ ଉରଗ ହାର ଦେବୀ ପ୍ୟମାନ ଭସ୍ମର ଦେବା ନ ଦେବା କର୍ମର ଦେବାଧିହର ହେ ପଞ୍ଚଦେବ ଦୟା କର ହେ ବନରାଜନ ପୃଷ୍ଠହର ବସିଭ୍ରମ ସର୍ବପୁର ବରଦାତ୍ରୀ ଦର ହର ବଚସ୍କର ହେ ପଞ୍ଚଦେବ ଦୟା କର ହେ ତାମ୍ର ରସ ପତି ସୁର ତାମ୍ର ମୃତି ଦିବା କର ତାପିତ ପ୍ରଖର କର ତାରଣ କର ହେ ପଞ୍ଚଦେବ ଦୟା କର ହେ ଉକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ପଦକୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ମହାଶୟ ଲେଖିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କବିତା ତାଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛି। ଆରେ ମାନସ ଆରେ
आरे मानस आरे आरे भेटी परम रजारे आरे मानस आरे 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 कहू थिबु छुटी जीव मृतिका घटु सुआरे आरे रे ककटी ठारे तू नरसी झुरीबु धर्म दुआरे आरे झुरीबु धर्म दुआरे आरे मानस आरे। गुरु मार्कंडेय बाहिनीपति गायक विशारद तांकर निज हातलेखा कविता प्रत्येक शिष्य को से हातलेखा कविता गोटे गोटे से दिखती या छड़ा किसी बही मध्य से लिखिंट एवं से बही को मध्य आम मैंने कई कई अभ्यास करी घोषी ताको पाला रे परिवेशन करूँ। उन्नीसशह चौवन मसीह स्वर्गत बिच्छंदचरण पटनायक आयोजन करिथिबा पाला प्रतियोगिता रे से प्रथम होइथिले। उन्नीसशह चौवन मसीह कटक कला विकास केन्द्र संगीत सम्मेलनी रे तत्कालीन शिक्षामंत्री राधानाथ रथ डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती चिंतामणि आचार्य प्रमुख बाहिनीपति गायक रत्न उपाधि भूषित करिथिले। नीलशैल अनुष्ठान पक्षर तांकु गायक विशारद उपाधि प्रदान करागला। हीराकुद नदीबंध उद्घाटन समय बाहिनीपति पाला परिवेशन करिबार सुजोग पाइथिले। उच्चकोटीर पाला परिवेशन पाई विभिन्न स्थान रे उच्च प्रशंसित होइथिले बाहिनीपति। पुरी दोलवेदी रे पाला परिवेशन करी से बहु प्रशंसार पात्र होइथिले। तांको दक्षता रे ब्राउन यूनिवर्सिटी मध्य शतमुख होइछि। आमर जटनी हरिभाना छक पाला होता बेले वर्षा आदम न थाए से बड़े से मंच उपरे कहीदे काली वर्षा हाब ताकर जड़े बायक थे सी संघात संघात कह तुम्हें कौन इंद्र कि तुम्हें कौन काली वर्षा करदेव साहस कहीदे मुझे कही काली वर्षा न हो ब्राह्मण पे पैंता छिंडेदेवी ये कथाटा ये आलोड़न सृष्टि कला लोक मान भर पर बाहिनीपति पाला देखापे जी लोक ताठू बेस लोक बाहिनीपति के वर्षा करेंगे यही देखापी अनेक लोक गणरे से दिन दिन जाक माँ तारादेवी से होती भक्त खिया ना पिया ना गाधुआ ना पाधुआ ना से भाव निरालंब माँ को स्मरण कले माँ मुझे ये बड़ कथा कहीदेली सत्य कौन मुहार वर्षा हीज तू मत सा नठ मो बाना बुड़ीज तो बाना भी बुड़ीज तेणु संध्या बेलू बेस जिते पेंडाल को जाती ऋष्यशृंग जरता ऋष्यशृंग आनयन विषय कले से बड़े हे तो विषय वस्तु घंटा गलापर चारि मेघ एकाठी मिली वर्षा भली ये जोर से प्रबल वर्षा है लोक मान विपुल करता विपुल हर्षध्वरी एवं से दिन ठारठ बाहिनीपति जी देखे सी नमस्कार हुए से प्रणाम करे मुंडरे मुंडे पादर मुंड लगी पाद धूली मुंडरे बोले। बाहिनीपति बादीपालारे प्रतिपक्ष गायक मानू के कटु समालोचना करुनथिले विषय माध्यम रे उचित परामर्श देउथिले। तांको आगरे वरिष्ठ कनिष्ठ समस्ते समान थिले। से वरिष्ठ मानू जेपरी सम्मान देउथिले कनिष्ठ मानू सेपरी मध्य स्नेह आदर करुथिले। जेतेबेले वैष्णव प्रधान सहित से तो वैष्णव प्रधान को बहुत सम्मान दिंती वैष्णव प्रधान आगे से उग्रतारंग उद्देश्य समसामयिक लब्ध प्रतिष्ठित गायक जो माने थिले उद्देश्य रे संज्ञा सहित गोटे पद से संगीत गान करती विश्वनाथ पट जोशी गो विश्वनाथ पट जोशी लोकनाथ करे पूजा सोडसी विश्वनाथ पट जोशी गो विश्वनाथ पट जोशी हरिनाथ बाहिनी पति मार्कंड वैष्णव प्रधान कर सुदासी
निरंजन कर जगन्नाथ बेहरा परमानंद सरणी आश्वासी माँ विश्वनाथ पट जोशी गो विश्वनाथ पट जोशी संज्ञा सहित गायक मानकर आलोचना करिबा समय माँ का उद्देश्य जो अर्थ करती से अर्थ एबे भी आमर बेले बेले मन पड़े आखिर लुह धरी जा जड़े गायक प्रथम पाड़ी गायक जहाँ करोटी रखी थाए हे तो अनेक गायक ताको दोहरे की पूरण करती किंतु बाहिनीपति ये जड़े पालाकार से यह प्रारंभिक संगीत मंगलाचरण पठन करी जहाँ मध्यम कि से केतबेले विषय भितर जो अच्छी बाकी अच्छी सेठिक पहुँची जाती से भि आलोचना आड़शार कौन से गायकों पाखे नाला प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में बहु पाला गायक का ना धरी कार जाति संपर्क हुए तो प्रत्यक्ष भाव आलोचना करती किंतु मु बहुबार शुणी गुरु बाहिनीपति से केवे हेले प्रत्यक्ष भाव जन को समालोचना करती ना विषय मध्य से अलंकार संयोजना करती जहाँकि गोटे अर्थ प्रतिद्वंदी गायक उपरकू गले गोटे अर्थ विषय उपरक जाए तार प्रत्यक्षदर्शी आमर जटणी निकटस्थ जमुनारे पाला परेषण करूँ गुरु गायक सारंगधर जेना सहित से दिन सारंगधर जेना अति कटुक्ति वाक्य प्रयोग करते गुरु बाहिनीपति प्रति से ये क्रोधान्वित होते जद्वारा कि दलमेल उठू उठू मंच उपरकू आसी पदटीए प्रारंभिक संगीत पढ़ी से दिन से जहाँ परेषण कले पूर्ववर्ती गायकों विषय उपरे प्रत्येक गायक प्रत्येक श्लोक जहाँ से मुखर बाहरी गोटे अर्थ विषय उपरकू गोटे अर्थ प्रतिद्वंदी गायक उपरकू ये रात्रि पाहीगला हुए तो आम जिते जन पाला श्रोता से स्थान से ग्रामवासी तथा आम पालाकार भाव में जिते जन पाला श्रोता थिलु से दिन चिंता कलु प्रकृत ये बाहिनीपति आम शुणु समस्ते कहती पालार पाठागार होती लाइब्रेरी सदृश होती बाहिनीपति प्रकृतर से ही लाइब्रेरी लाइब्रेरी की गले जो भाव में जहाँ चाहिए ताइबा से बाहिनीपति पेटर कौन थी सी जहाँ चाहती जहाँ कहते जहाँ चाहती ता गाती पाला कला और कलाकार विकाश पर बाहिनीपति 1975 मसीह एक संगठन आरंभ करते परवर्ती समय रे ताहा श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद भाव में परिचित हेला बाहिनीपति नेतृत्व और मार्गदर्शन फल संगठन आज सफलतार सह गोटिए परे गोटिए पहाच अतिक्रम कर चली श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद गठित हला सेते थिले प्रारंभिक सभापति आज से होती परिषद प्रतिष्ठाता कारण ये पाला गायक परिषद को से आरंभ करते सी थे सभापति एवं ये परिषद पेड़ की मो मुंडे थोदे मुँह संपादक जड़े छात्र बत्सल गुरु भाव परिचित बाहिनीपति से छात्र मानू निजर संतान परी स्नेह आदर करुले वयोज्येष्ठ पाला गुरु भाव मान्यता ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तांकरी अध्यक्षतारे एक स्वल्प मियादी पाला तालीम केन्द्र आरंभ होता से इभली एक पुण्यात्मा व्यक्ति थिले तांकर आशीर्वाद जा मथा उपर रहीगला से केबे हेले एपाक सेपाक हबनी गोटे रास्ता से धरेबे जो रास्ताटा पालाकारंक पई सबुठारु उपादेय एवं ग्रहणीय मु सेई भली जने गुरुंकर संपर्क करे आसीछि प्रथमे तो गोईठा माड़ खाई मुझे पाकु गुरु पदरे वरण करने आसली से प्रथम मत गोईठे मारले कहले तू पाला गाई पार किंतु मामा थिले गुरुमा सी जिते मोप अनुरोध कले से गुरुदेव बहु कष्ट मत ग्रहण कले चाकरी की समय केते देवी पाला को समय केते देवी शिक्षा को समय केते देवी सी मोर निर्दिष्ट करदे गोटे रुटीन तैयारी करदे आज ए जावत रुटीन टा मोप कार्यकारी ही चली
कटक जिलार गायक सम्राट वैष्णव प्रधान सहित पाला होता है। मुझे से बोध हुए तृतीय श्रेणी पाठ पढ़ु से इलेक्ट्रिक लाइट न था पेट्रोल लाइट पाला हुए तत्कालीन समय श्यमंतक मणिहरण जो विषय से विषय समस्त श्रोता समस्त पाला दर्शक अभिभूत हो पड़ता जितेबले जाम्बव को मार बसी वास्तव में मुथ पर मुथ प्रहार कर सतर रसायणित होता से दिन से पाला कार्यक्रम ताकू देखिकी मु मान पाला प्रति आसक्ति मनोवृत्ति आनी भविष्य जन पालाकार होली सिद्धांत नहीं तृतीय श्रेणी बाहिनीपति थिले जने अति अमायिक उज्जवल पुरुष पालापाई जदिओ से परिवार को भूली जाउथिले हेले समस्तंक पाई थिले आदर्श आज भी परिवार प्रतिटी सदस्य तांकु झुरी हेउछंती दुई पुओ शरत और निरंजन झियो बासंती और गीतांजलि बापांक स्मृति को भूली पारु नाहंती दुई बोहुंक पाई से थिले आदर्श फास्ट जेतेले पाला हाउथला रासमंड पठि हाउथला बाणपुर रे लता आम सब सांग छुक झील मैंने सब जावावस्था सी देखिक कहले से झीटी किए से आ गाँव बुझाऊे कहीकि पचरा पचरी करी मुझे झीटी की बोह करी कहीकि आम बाप घर को जा बुझाऊे करी से बाहर कल बहुत खुशी मत मत न देखिले अंध हो जाती दिनटे न देखिले पाला गायक जी से तो फोन नाला बर्तमान चिठी सब थी चिठी सब लिखिक पकईदे बोह मोर कौन कर बहुत कथा एमतीका आउ शशुर मु मरिकी सात थर जन्म हेले मत आईबे कि एमती शशुर मुझे कौन से जगार देखुनि शाशुठ मुझे शुणी से पिठा पिठा कड़े रखी थे लुचेक खाईदे आती भाग्य ना मोर करवाई आँ कर कले ठाकुर को आगे समर्पण कैपर शशुर समर्पण कै खाली पाला जगत नुहे भूषणपुर जो पवित्र अनुष्ठान किसी अच्छी रामलीला आम हरिहर क्षेत्र दोलपड़िया बाण एवं कीर्तन पूजा सहित से संशुद्ध भाव जड़ित थे आम अंचल समस्त लोक मान शिष्य मानू से विशेषकर निज संतान बोली मन करते तेरे ओडिशार समस्त पाला गायक भितर मार्कंड प्रति एक स्वतंत्र थे निजे अनेक ज्ञान अधिकारी हेले भी निजे कौन पद पदवी कौन सम्मान पाइबा को से चाहुन थे जहाँ जाचि दि जाऊला से समवयस गायक मान स्वेच्छा दान करते मामु भारी स्नेही भारी मीठा प्रिय एपरिक चार बुंदिया पोटी खाया मुझे देखी से मो जीवन मार्गदर्शक 1981 मसीह पालारु अवसर नेले बाहिनीपति सारा जीवन अक्लांत परिश्रम अत्यधिक मिष्टान सेवन जो से दुरारोग्य व्याधि पीड़ित हेले पुरी दोल भितर तो पाला बहुत बार गाई जाए एक दिन पाला हुए लास्ट पाला गले नारायण मंदिर नाला से पाला हुए खिचिंग खणी गोटे शहे कोड़े क्विंटाल पथर गोटे आसिक मूर्ति प्रतिष्ठा से वर्ष से पार्श्व देवता ठाकुर पंच देवता देख सब से पाला आसे देह टे से असुस्थ लगी तो घर को आसला कहले मोर बर्तमान जो पाला गाइली दोलवेदी जो ठाकुर प्रतिष्ठा हेले मोर कला हरण कला हरण हो गए मत वार नि से नि ये कलु बर्तमान हाउ पुरी नहीं जावा जगन्नाथ दर्शन कले दोलवेदी टी गले नारायण गले बहु लोक गोटे जीप कार जीप टे करेंपटे आस तारादेवी पाते अच्छा तारादेवी देकर आस लोक जमी बहुत अंचल का प्रचार होती देह एम खराब हो सब दंडी से बचे ये कर गोड़ फोड़ धोवाप हाथ धरिक चली पार ना गोड़ धोक से पोखर आसे आसला बेलू मंदिर पहड़ थी दीटा 15-20 मिनट हम तापर से पहड़ पेटर दीटा है मंदिर कला
ତାପରେ ସେ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ କୃତିଆ ଯାଇପାରିଲେନି ରହିକିରି ମା ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। 1981 ମସିହା ପୌଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ସୋମବାର ରାତି 11:45 ପାର୍ଥିବ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ବାହିନୀପତି। ଏହି ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପାଲା ଜଗତକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପାଲା ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ସେ ପାଲା ଆକାଶରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଥିବେ। ନାରାୟଣ ନାମେ ରସନା ରସ ଆନେ ରସନା ନାରାୟଣ ନାମେ ରସନା।